कुबरा खान ने कहा है कि पाकिस्तानी मर्दों को कोरियन ड्रामों से ये सीखना चाहिए कि किसी से मोहब्बत किस तरह करनी है और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करना है। जब हम पाकिस्तानी खवातीन वो सब देखती हैं तो सोच रखती हैं काश पाकिस्तानी मर्द भाई ऐसे तो नहीं होते। मर्दों को मत कहें। वो हमजा अली अब्बासी द ओनली करेक्टर हुई है कोरियन था। मैंने देखा है अगर आप नॉर्मल अपनी सोसाइटी में एवरी नजर दौड़ाते हैं खवातीन के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप जगह पे हो कहेंगे नहीं आप पहले बैठ जाएं आप प्लीज आगे चली जाएं बहन जी आगे हो जाएं कोई मसला हो जाए। हमारे कल्चर में ये है इतना मेकअप और स्किन केयर हेयर केयर ड्रेसिंग काउंट नो सो द प्रेशर फैशन दुनिया में फैशन को ओरियंट से चलता है नॉर्मल लड़कों पे। और शोबिज वाले तो कहते हैं कि वहाँ यंग एज से हॉस्टल एक स्पेशल मीडिया हॉस्टल्स हैं सारी जिंदगी वहाँ रहते हैं मतलब जब तक फिर बनना चाहें इतना प्रेशर उन पे डांस का एक्टिंग का फिटनेस का बहुत उनको कम खाना देंगे कि आपको शुरू से ना अपने आपको स्टाफ करना है इतना प्रेशर होता है सुसाइड कर लेते हैं कितने लोग होर्डिंग्स नजर आते हैं ना मेकअप स्किन केयर क्योंकि मास्टर है उसके सारों के मॉडल्स लड़के मस्कारा ब्लश ऑन्स बेस कंसीलर लड़के एक लड़की का मैंने पोस्टर नहीं देखा यार। और माशाल्लाह वाकई खूबसूरत भी है करीब से देखा तो दिल किया कि मैं टच करके देखूं ईमान से लेकिन आप उनको रियल लाइफ में देखें तो लगता है रियल नहीं असली नहीं है ईमान से इतने गुड्डे के लगते हैं लेकिन बने कुबरा खान ने कहा है कि पाकिस्तानी मर्दों को कोरियन ड्रामों से ये सीखना चाहिए कि किसी से मोहब्बत किस तरह करनी है और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करना है। उन्होंने बताया कि बहुत से पाकिस्तानी अवाम की तरह वो भी कोरियन ड्रामों की मदा हैं और मरीना जी भी मदा है कोरियन ड्रामों हमारे पास एक हैं हमारे पास भी हैं। उन्होंने कोरियन ड्रामों में दिखाए जाने वाले मर्दों की औरतों के हुस्न की तारीफ जिस तरह से वो औरतों के हुस्न की तारीफ करते हैं और कोरियन ड्रामों में मर्दों को अपने प्यारों के लिए और बिलखसूस खवातीन के लिए बहुत छोटी छोटी मामूली चीज़ों को बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हुए दिखाया जाता है। जब हम पाकिस्तानी खवातीन वो सब देखती हैं तो सोच रखती हैं काश पाकिस्तानी मर्द भाई तो नहीं होते। मर्दों को मत कहें वो आप मरीना का इनपुट लेते हैं उससे पहले मैं एक छोटा सा इनपुट दे दूँ मर्दों को मत कहें कि वो वैसे हों ड्रामों को कहें ना वैसे हो चाहे राइटर्स को कहें राइट पीपल लाइक दैट व्हाई आरंट पीपल राइटिंग गुड बिकॉज़ आई हैवंट सीन कोरियन अच्छे कैरेक्टर टेलीविजन क्या ये आप क्या कहेंगे क्योंकि नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं लेकिन मोर सो देन खूबसूरती वगैरह इट्स द रिस्पेक्ट फॉर वुमेन उनका जो मेन हीरो होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन आई थिंक वो हमजा अली अब्बासी द ओनली कैरेक्टर वी हैव जिसने कोरियन कोरियन इश्क किया था बट या आई मीन मैं तो कहती हूँ कि आप ईजिली अडेप्ट करें बिकॉज द ड्रामाज आर वेरी क्लोज टू देयर कल्चर इज प्रीटी क्लोज टू आर्स द वे वी फैमिली ओरिएंटेड फूड के इर्द गिर्द और मैंने देखा है अगर आप नॉर्मल अपनी सोसाइटी में एवरी नजर दौड़ाते हैं खवातीन के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप जगह पे हो कहेंगे नहीं आप पहले बैठ जाएं आप प्लीज आगे चली जाएं बहन जी आगे हो जाएं कोई मसला हो जाए हमारे कल्चर में ये है लेकिन ड्रामों में ऐसे कोई इतने अब नहीं है नहीं है ड्रामे देख देख के नहीं अब नहीं अब पता क्या हो गया एंड ठीक है मैं नहीं कहती कि जस्ट बिकॉज़ यू आर अ वुमन यू शुड बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली नॉट बट देयर इज अ पोलाइटनेस टू अ पर्सन दैट पोलाइटनेस और या वो जो एक क्रूडनेस और क्रैसनेस आ गई है हमारी बिहेवियर में बिकॉज आई लेकिन स्टिल मुझे लगता है काफी जगह पे नजर एक सॉफ्टनेस नजर आती है टुवर्ड्स वुमन कहीं पे भी कोई जा रहे हो इनको पहले दे दें जी इनको पहले कर दें उनको एक जो अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है नॉट द हीरो बट यस देयर कैरेक्टर्स वो ऐसे मारते हैं वो हमारी तरह नहीं कि वो थप्पड़ मारते हैं बीवियों को मारते हैं आई मीन लाइक यू फील द थप्पड़ ये चीज ना सीख ले नहीं मार कुटाई की काफी जो चीज सीखने वाली है ना वो है उनका मेकअप इतने स्ट्रेस में कोरिया के आदमी आपको ये भी पता होना चाहिए जितना मेकअप और स्किन केयर हेयर केयर ड्रेसिंग का उनको प्रेशर नॉर्मल नॉर्मल लड़कों पे और शोबिज वाले तो कहते हैं कि वहाँ यंग एज से हॉस्टल एक स्पेशल मीडिया हॉस्टल्स हैं सारी जिंदगी वहाँ रहते हैं मतलब जब तक फिर बनना चाहें इतना प्रेशर उन पे डांस का एक्टिंग का फिटनेस का बहुत उनको कम खाना देंगे कि आपको शुरू से ना अपने आपको स्टाफ करना है इतना प्रेशर होता है सुसाइड कर लेते हैं कितने लोग देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द मेन इन कोरिया एंड लुक परफेक्ट नो नो वुमेन आल्सो और उन पे क्या है जब आप थाईलैंड जाएं या कोरिया जाएं तो होर्डिंग्स नजर आते हैं ना मेकअप स्किन केयर क्योंकि मास्टर है उसके सारों के मॉडल्स लड़के सारा मेकअप इंडोर्स कर रहे हैं लड़के मैं हैरान होगी अगर अपनी आंखों से ना देखती स्किन केयर लड़के चलो स्किन केयर भी समझ आता है मस्कारा ब्लश ऑन्स बेस कंसीलर लड़के एक लड़की का मैंने पोस्टर नहीं देखा यार
आई थिंक दुनिया में फैशन ट्रेंड वहां से चलते हैं और आई थिंक 10 साल बाद यहाँ पर भी यही होगा। और माशाल्लाह वाकई खूबसूरत भी है, करीब से देखा तो दिल किया कि मैं टच करके देखूं। नो, सो कोरियन ग्लास के लगते हैं बने, कोरियन मेकअप, द वे यू डू कोरियन मेकअप, दैट्स बिकम अ ट्रेंड। हाउ डू गेट दैट ग्लासी, दैट ब्यूटीफुल ग्लासी, नहीं इसका मतलब है कि सोचेंगे सो मैं जो पहन के बैठा हूं ये कोरियन ड्रेस ही है, ऑलमोस्ट लाइक द कट है, और जो क्योंकि फैशन सेंस अब सब चीजें वहां से शुरू हो रही हैं एंड फैशन इज नेक्स्ट लेवल, यूएस में बाद में जाता है, यूरोप में बाद में जाता है, पहले कोरिया से। ऑल्सो फैशन इज वेरी यूनिसेक्स, इट्स नॉट इवन, सामने से लड़के भी वेयरिंग वेरी फेमिनिन क्लोथ्स, ये नॉट ओनली वेयरिंग। मैंने देखा कि मैं दुकान में घुस गई, कपड़े ट्राई किए, मैंने कहा स्कर्ट भी लूंगी, ये भी पता चला वो तो लड़कों के पड़े थे सारे। मेरे पास तस्वीरें हैं, कह रही मैडम फॉर मैन, फॉर सर, मैंने कहा नॉट फॉर मैम, कह रही नॉट फॉर मैम, ये लड़कों के कपड़े स्कर्ट। ईमान से लेकिन आप उनको रियल लाइफ में देखें तो लगता है रियल नहीं, असली नहीं है, ईमान से इतने गुड्डे के लगते हैं, लेकिन क्या एक्टर्स हैं, शीशे के बने हुए, बट क्या एक्टर्स हैं, वेरी क्लोज टू कोरियन ड्रामा बिकॉज ही इज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड यू नो गुड गाय। सो आई थॉट इट वॉज क्वाइट एन इमोशनल जर्नी दिस टाइम, जहाँ इसकी फीलिंग्स टूवर्ड सलार बढ़ रही हैं, जहाँ उसकी बहन खुला लेने की बात कर रही है, अपनी बहन से पूछ रही है कि तुम विटनेस बनोगी, यू नो, सो देयर वाज ऑल लॉट ऑफ दैट हैपनिंग। सलार का फाइनली इसको समझान बताना, हाँ, कि दिस इज द ट्रॉमा दैट आई, द ओनली थिंग दैट आई हैड अ प्रॉब्लम विद वाज द केरोसिन वाला सीन, वो हम बात करेंगे, वो तो डायरेक्शन में सब डिटेल में बात करेंगे। हां, सो उस सीन के साथ मुझे What I loved was the opening of the हमने कौन सा, हमने दो एपिसोड देखे, दो एपिसोड के 21 जिसमें बाप और बेटी किचन में होते हैं, दैट वाज जस्ट सच अ ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड, देयर वाज अ हैप्पीनेस, देयर वाज अ सॉफ्टनेस, देयर वाज, यू नो, वो कहते हैं पहली दफा तुम्हें हंसते हुए मैंने देखा, देयर वाज जस्ट, इट वाज जस्ट सो, इट वाज अ ब्यूटिफुल वे टू स्टार्ट अ ड्रामा। आई थॉट द फर्स्ट टू सीन्स जिसमें बाप को पता चलता है कि इसका जो ब्रदर इसका जो सन इन लॉ है कि उसने सारा पहली शादी खराब, सो फॉर मी टू थम्स अप फॉर इट, मूवी एंजॉयड, सो द स्टोरी मूव्ड टू वन पिविटल पॉइंट के लड़की को पता चल गया कि इसका ट्रॉमा क्या था, और ये भी तय हो गया कि यू नीड टू सी अ साइकेट्रिस्ट, और जुमला अच्छा था जहाँ वो हाँ, दैट वन लाइन वॉज रियली गुड, जहाँ वो कहता है पहले तो वो मान नहीं रहा कि लोग पहले ही मुझे समझते नहीं हैं, पागल कहेंगे, मीनशी से इसके अपने लिए कुछ करो, तो वो कहता है ठीक है फिर ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा अपने लिए कुछ करता हूँ, और वो कहती है पहली दफ़ा क्या किया था आपसे, ने कहा दैट लाइन टच्ड मी। उसके अलावा वो जगह सारी सही थी जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, पहुंचने का तरीका कभी सही लगा कभी गलत लगा, कभी सही लगा कभी गलत लगा, सो मेरे लिए रद इज़ द जर्नी इज़ फाइन, बिकॉज हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो ठीक है, बहन के साथ भी जहाँ जा रहे हैं और मेन हमारे दो कैरेक्टर्स के साथ भी, बट थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जर्नी है, सो मेरे लिए रद वुड बी वन थम्स अप। नादिया, क्या रद को रद करेंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, इसमें जो खास बातें दो एपिसोड में हुई हैं, मैं रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 21 एंड 22 ऑफ रद, दो बातें, एक बहुत मज़ेदार और एक अजीब, तीन, दो अजीब और एक बड़ी मज़ेदार सीन। सालार हिबा अपनी स्टोरी सुनाता है, जिस तरह सुनाता है लगता है कोई 7 साल का बच्चा सुना रहा है, वही जो उसकी एज थी व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड, तो लगा वो वापस बचपने में चला गया है, तो वहाँ कितना क्लेवर है कि पार्ट ऑफ हिम इज स्टक, एक बच्चा भी वो वाकया फंस गया है ना, बहुत प्यारा सीन था, वो सीन मास्टरपीस था। फिर एक जितना ये अच्छा था उसी के टक्कर पे एक बुरा सीन था आग वाला, वो तो डायरेक्शन में, वो तो टॉम एंड जेरी था ना, या वो उसका पिंक पैंथर टडंग 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 टडंग, और उस फिर एक तो ये चीज होगी और एक चीज फनी होगी, अरे जहन को क्या हुआ है, जहन की ये दाढ़ी कहाँ से आई, किस जगह से आई, एक साल से उसने शेव, ये इतनी फनी दाढ़ी
मैंने नहीं देखी. और जैन जितना अच्छा शुरू में लग रहा था उतना ही कॉमेडी अभी लग रहा है. फनी एकदम आया ना, हमने कहा ओ जैन आ रहे ये क्या हो गया इसको. तो मैं नहीं, सब लोग परेशान हो गए थे. इतनी बुरी जो उसकी लुक बनाई है ना, बहुत बुरी लुक बनाई है. तो जैन ने गम दिया. जैन की फैमिली कहाँ सेटल है, यूके में, यूएस में, बाकू में, पन्नू आकल में, लाड़काना में, मुझे को बता दे कि ये लोग कहाँ बैठे हैं. मुझे हमेशा टेंशन होती है पाकिस्तान आ गए नहीं, ट्रांजिट में, ये अब कहाँ बैठे हैं. वो ट्रैक बड़ा बहुत फ़नी था. फिर जिस रिश्ते के लिए वो गया, वो खातून वो भी बहुत फ़नी थी. और वो पूरा सीक्वेंस बहुत सीरियस होना था, वो बहुत फ़नी हो गया. फ्लैट गिरा. तो इट वॉज एंजॉयबल वॉच. ये ठीक है.